याद है ना वो जमाना जब प्यार करने वाले एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे। अब अपना पिया अलबेला तो सच में अलबेला है। उसके हाथों में प्रेम पत्र देखकर हम भी थोड़े से चौंक गए कि ये प्रेम पत्र आखिर पिया अलबेला को भेजा किसने है। लेकिन ये क्या, इस प्रेम पत्र को जिसने भी पढ़ा उनके चेहरे की हवाइयां कैसे उड़ गई? आखिर इस प्रेम पत्र में ऐसा क्या लिखा है? ओ माफ कीजिएगा, ये प्रेम पत्र नहीं बल्कि किसी के बारे में लिखी हुई कोई साजिश है। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आप भी जानते हैं कि माँ कभी कुछ ऐसा लिख ही नहीं सकती। छल किया जा रहा है पूजा के साथ, और इस समय पूजा को बिलीव नहीं हो रहा है कि नरेन बाबू, शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि यू नो छल के इम्तिहान में उसको छल को ही फेस करना पड़ेगा। तो और वो हैरान है कि उन्होंने अपनी बीमार माँ को यूज़ किया इस टेस्ट के लिए। अब भाई इस खत को देखकर तो हमें यही लगा कि ये कोई प्रेम पत्र होगा, लेकिन नहीं, ये तो पूजा के खिलाफ एक रची गई चाल है। अब पूजा और नरेन के बीच जो खेल चल रहा है उसमें नरेन ने छल का इस्तेमाल किया है। उसका कहना है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। हाँ, वो खत नकली थे। मिसेस व्यास से वो खत लिखवाने वाला और कोई नहीं, मैं ही। इस समय उनको कुछ नहीं सूझ रहा है, वो बस चाहते हैं कि वो पूजा को किसी भी तरीके से हरा दे, और इसीलिए उन्होंने छल यूज किया है यहाँ। अब नरेन, आपको क्या लगता है कि आपका ये छल कामयाब होगा? नहीं नहीं, आप खुद ही अपने इस छल में फंस गए हैं। हमारी बात मानिए तो पूजा के साथ सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि ये छोटे पर्दे की बहू है, हार मानेगी तो नहीं। मुंबई से श्वेताब शक्ति के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।